जलंधर तो हुशियारपुर फाटक से एक महिला के नाल रेल दुर्घटना हो गई। फाटक के कोल मौजूद लोगों का कहना है कि फाटक बंद सी, जिससे बाद भी महिला पट्टियां ते चलन लगी। आस पास मौजूद लोग महिला ने आवाजां दित्तियां, लेकिन महिला ने सुनिया नहीं, जिससे बार महिला के दोनों पैर कट गए, लेकिन महिला की जान बच गई। घटना स्थल मौके ते पहुंचे जीआरपी अधिकारी हीरा सिंह का कहना है कि इस महिला नूं सुनाई नहीं दिंदा। जिथे सारे लोगों ने इस महिला नूं आवाजां दित्तियां, पर इस नूं कोई सुनाई ना देण दे चलदे इस नूं इह आवाजां सुनाई ना दित्तियां। ते घटना दे बाद जद महिला दे नाल गलबात करन दी कोशिश कीती गई तां ओह कोई भी गलबात नहीं कर रही सी। महिला की पहचान रचना के रूप में हुई है, जो कि बलदेव नगर की रहने वाली है। घटना तो बाद एम्बुलेंस नूं कॉल करके महिला नूं हॉस्पिटल भेजा गया। आ चुकिया ने दोनों लट्टां तो दुर्देसा तो वाडा हुशियारपुर दियां फाटक दियां तस्वीरां, जिथे कि लेडीज एकदम ही लेडीज एक थले आ गई है। बयान देने वैसे फिट नहीं, वारसा ने ना दसिया वा रचना राणा वाइफ ऑफ रणवीर राणा वासी महला किशनपुरा। दूसरा दा एड्रैस एक होर बलदेव नगर जी किराए पर रह रहे अचानक ना गड्डी के टकरा गए, फिलहाल अचानक गड्डिया टकरा गए। बाकी जिमें बयान देने ये भी पता लगा ये फाटक क्रॉस करती पी सी, लोगों ने आवाज मारन की कोशिश की, इन्हू सुनिया नहीं, कोई दिक्कत है? इन दिक्कत है, पहला शुरू तो ही बेटी बोल रही है कि राधिका की बेटी आ, वो कह रही है कि थोड़ी जी ना अपसैट से दवाई जी अमृतसर को गुरु नानक हॉस्पिटल चल रही थी, हूँ थोड़ा जी जा रही है। हाँ हूँ कंडीशन की है? हूँ फिलहाल जी मत्थे के स्टिचिंग कर रहे हैं, बाकी डॉक्टर जी कर रहे इलाज, बाकी अच्छे बयान जी लैने बाद। पैर पैर की एक लत कटी गई है, एक खतरी है सब्जी खबी कटी गई। कि ट्रेन सी? ट्रेन लोड ही जी, एक लोड जान रहा है। नंबर की? नंबर नहीं इन्होंने वैसे लोड का लिखा। नाम है कि थाना? मैं जी ए एस सी हीरा सिंह थाना जी आर पी जलंधर।